Powered by Siksha Oanushundan, 25 years of excellence. Associate sponsor The Right Place for Healthcare. Spush Hospital. Shocking Orthomattress, most preferred and awarded mattress brand.

वन ड्रीम इंडियन हॉकी रू बड़ ग्रुप सदस्य सहित लियो सर हॉकी स्पेशलिस्ट प्लस भी वन टीम वन ड्रीम रो सदस्य रॉकी रु बड़ प्रशंसक अपने दीज दो को आप दोनों को स्वागत है अर्गस्ट न्यूज में पहले तो राजा नामधारी जी आपसे जानना चाहूंगा में कैसा लग रहा है आपको हमें हमेशा उड़ीसा में आगे बहुत अच्छा लगता है हम 2012 में सबसे पहले आए थे हॉकी का टूर्नामेंट देखने उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी वर्ल्ड सीरीज हॉकी वर्ल्ड हॉकी लिए काफी कुछ होता था तो हम हमेशा ही हॉकी टीम को सपोर्ट करते हैं ओडिशा आते हमें बहुत अच्छा लगता है और यहाँ का जो क्राउड है कलिंगा स्टेडियम है नंबर वन स्टेडियम लगता है हमें यहाँ सर क्राउड कलिंगा का कैसा लगा आपको अनबिलीवेबल अगर हॉकी मैच के लिए स्टेडियम भरा देखने चाहते हो तो गए दस साल में से जितना बढ़ावा ओडिशा में मिला है इट इज अनबिलीवेबल वन टीम वन ड्रीम वॉट्स हमारा ग्रुप है वन टीम वन ड्रीम हम हमेशा हॉकी को सपोर्ट करते हैं हम भी छोटे होते से हॉकी खेलते थे और मैच देखने जाते थे तो वहाँ से कुछ और कंट्री से भी लोग आते थे तो जैसे हमने देखा कि क्रिकेट के लिए बारहवीं आर्मी हमेशा टीम के लिए चेयरअप करती है क्रिकेट के लिए हुँ. तो हॉकी के लिए हमने अभी ऐसा कोई ग्रुप नहीं देखा था तो फिर हमारे कुछ लंडन के फ्रेंड हैं, फिनलैंड के फ्रेंड थे जो मैच देखने आते थे तो हमने 2010 में कॉमनवेल्थ गेमों में दिल्ली में अपना ग्यारह साल ना... पहले हाँ जी हाँ। ग्यारह साल पहले से ग्रुप हाँ बना है। जी टू में अपना ग्रुप बनाया हम पहले पाँच जाने थे दस जाने थे आज हमारे दस प्लस फॉलोअर हैं

टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं सब हमें पहचानते हैं आजकल हम भी उनको अच्छा जानते हैं जिधर भी खेलते हैं पूरी दुनिया में हमारी ग्रुप में से तो कम से कम 10-15 लोग तो पहुंच जाएंगे उधर ये ग्रुप ऐसे ही बनी थी हम लोग सब जाते थे वर्ल्ड कप देखने एशियन गेम्स देखने चैम्पियंस ट्रॉफी देखने जूनियर में सीनियर में तो जब हम एक दूसरे को देखते थे यहाँ पे हमारी इंडियन की फ्लैग होती थी वहाँ पे देश की झंडा होती थी तो मैच के बाद हम यू ही मिलके बात करते थे जी जी और और आपके जो चेयरअप वीडियोस फोटोज हमें मिले हम दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वो फोटोज सब सबसे दृश्य रही वन टीम वन ड्रीम जो चेयरअप कर जाए ये से फोटोज वीडियोस जे टीम इंडिया हॉकी जो खेले एम सेठे पहुंच जाइए कहो से कुछ भिजुआल्स चलने पर वन टीम वन ड्रीम्र सदस्य मैंने दुनिया जेकोसी स्थान भी टीम इंडिया खेल था चेयरअप करते टीम इंडिया को सब बे तो ये दृश्य हुई वन टीम वन ड्रीम रो जमाने से थोड़े तो थोड़े तो सपोर्ट करो टीम इंडिया को वीडियो के बारे में बताएंगे कब का है ये कि कौन से मोमेंट्स हो गए आपके सबसे बेहतरीन जो हमने सबसे पहले वीडियो देखा था वो 2016 जूनियर वर्ल्ड कप था जो लखनऊ में हुआ था जहाँ इंडिया ने कब जीता था और जब इंडिया टीम ने वहाँ कप जीता था हमारे ग्रुप के जो लोग थे उनको भी आंखों में आंसू आ गए जैसे अभी टोक्यो में भी टीम मेडल लेके आई है तो तब भी हमारा टोक्यो जाने का प्लान था कोरोना की वजह से मतलब कि उन्होंने स्पेक्टेटर अलाउड नहीं किए तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हमने मैच देखना सब ने इकट्ठा तो हमने बेंगलोर में कैसे ऐसे स्टेडियम में होटल बुक करके स्टेडियम बुक करके वहीं बड़ी स्क्रीन लगा के हमने मैच देखा तो पूरे इंडिया से हमारे फिफ्टीन गाना भी हो रहा है वहाँ पर हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जब इंडिया ये लखनऊ का ऐसा है हाँ जी ये लखनऊ जूनियर वर्ल्ड कप का भाजी जी तो क्या 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 माहौल कब होता है तब जब इंडिया गोल करते हैं पता चलता है कि आज इंडिया बेल्जियम को पक्का हराएगी जूनियर हॉकी मेंस वर्ल्ड कप आप पहले मैच से देख रहे होंगे पहले मैच फ्रांस के साथ टीम हार गई तब कैसा लगा कि अपने बच्चे खेल नहीं पाए ये क्या हुआ एक्चुअली ये टीम अभी नई थी अभी इन्होंने जो प्रैक्टिस स्टार्ट की है जो इतने टाइम से जो इनका मेन हेड कोच थे वो नहीं थे जो पहले जूट जूटफ्लैक्स थे तो उनको हटा दिया गया था उसके बाद जो अभी जो कोच हैं करियप्पा ये काफी टाइम टीम से हैं तो कुछ लड़के बीच में नए थे तो उस हिसाब से अभी सारा ये चल रहा था तो फर्स्ट मैच जब जिस टीम हारी है तो थोड़ा दुख तो लगता ही है जब टीम इंडिया हारती है तो फिर दूसरे मैच में लियो सर जब टीम इंडिया आपको पता है कितने गोल का एक रिकॉर्ड बन गया जीत गई तब कैसा लगा खुशी तो खुशी है और हमें ज्यादा खुशी इसमें है कि फ्यूचर के लिए पांच छह लड़के इतना अच्छा खेल रहे थे जी। कि आई एम well. हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है कि आगे इंडिया के लिए सीनियर टीम के लिए इस टीम में से तो कम से कम छा चा, सात लोग मिल जाएंगे अब हॉकी कोच भी पहले से हॉकी स्पेशलिस्ट है हॉकी के बारे में आपको सब कुछ पता है अपनी इंडियन जूनियर टीम टू बैक में आगे सीनियर तो टीम में रिप्रेजेंट करेंगे कैसे देखते हैं इनको सबको है पहले दस साल पहले जो हॉकी था अब की हॉकी बहुत फर्क है आज तो हॉकी इंडिया की हॉकी इतना बेहतरीन हो गया है मेन कारण है हमारी लड़कों और खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल्स पहले हम इतना भाग दौड़ और जोश नहीं दिखाते थे थक जाते थे नया रूल्स आए हैं जैसे कि रोलिंग सब्सट्यूशन है तो प्लेयर जब भी चाहते हैं बदला सकते हैं गेम की तेज़ी इतना बढ़ गया है और इंडियन का प्लेयर्स का टैलेंट और बेसिक पर इतना ध्यान दिया गया कि टुडे दे आर ऑल फैंटास्टिक प्लेयर्स राजा जी आप सब जानना चाहूंगा वन टीम वन दस साल में मेंबर्स सब आकर जुड़े क्या बातें करते हैं कि आपको तो पता है कि सब हॉकी छोड़कर क्रिकेट के दीवाने होते जब हॉकी में नए नए लोग बढ़ते दस हजार हो चुके कैसा लग रहा है आपको सर बहुत अच्छा लगता है जैसे पहले पी एच एल होती थी वर्ल्ड सीरीज हॉकी होती थी जब से हॉकी इंडिया लीग शुरू हुई है तब से काफी फैंस हॉकी के दीवाने हुए हैं जैसे लोग कहते हैं कि हमारे खून में में हॉकी हॉकी है, है हम वन वन टीम बन कहते हैं कि हमारी नस-नस आर्चा करवाई दिजा गेस्ट पंजाब रू आशा को और हकी कुछ एते पसंद करते क्रिकेट रिखिथे हकी रही बड़ फैन के ब्रेक पर आलोचना समय इसी चकद ओशार गे सर्ट ब्रेक रहा

ये हमेशा रहा है तो हम जाते थे ये गेम को फॉलो करते थे तो बीच में एक चांस मिला जब धनराज पिले और आशीष बलाल ने बेंगलोर में एक एकेडमी शुरू किया तो मैं उनके साथ एडमिनिस्ट्रेटर के रोल में जुड़ गया बच्चों को कोचिंग करना स्टार्ट किया तो वहाँ पे पंद्रह साल से हॉकी में इतना इन्वॉल्व हो गया तो ये पुराना जोश जो अंदर सोया हुआ था ना जाग के उठ गया 2010 में जब हम सब मिले थे अच्छा वा, वाह इतना मजा आ गया तो ये जो तो आपका ग्रुप हमेशा जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है जहां भी होता है देश में या देश के बाहर प्लान बनाते हैं ग्रुप में जाकर मैच देखेंगे अपनी टीम को चेयरअप करेंगे हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है जिसके अंदर हमारे फोर्टी कोर ग्रुप मेंबर हैं जी तो हम क्या करते हैं उस ग्रुप में मैसेज करते हैं कि ये टूर्नामेंट आने वाला है हमारा क्या क्या प्लान है क्य। क्योंकि कईयों की जॉब होती है जो उनको मालूम है कि आगे दस दिन के लिए टूर्नामेंट आ रहा है हमें दस दिन ऑफ लेना है तो वो डे नाइट शिफ्ट भी करते हैं हमारे एक बलदेव सिंह कलसी जी थे वो ब्रिटिश एयरवेज में काम करते थे उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर एज ए स्पेक्टेटर थर्टीन वर्ल्ड कप थर्टीन ओलंपिक्स मैनी चैंपियन ट्रॉफी पता नहीं कितना कुछ उन्होंने okay. सारे हॉकी टूर्नामेंट देख लिए, okay. तो वो हमारे एक तरह के हमारे के हमारे वो है. Okay. तो लास्ट उन, वो तो उन मतलब कि लंडन में थे उनको हार्ट आया, तो वो हो गए तो जैसे हम हॉकी को सपोर्ट करते हैं वैसे हम हॉकी को प्रमोट भी करते हैं तो अभी हुँ मैंने मैंने देखा भी है आपके पेज में जितने भी सारे प्लेयर्स है बच्चे हो या फिर सीनियर प्लेयर्स है या फिर जो भी फॉर्मर हॉकी प्लेयर्स है उनका बर्थडे होता है कि या फिर कोई भी अचीवमेंट्स वो हासिल करते हैं प्रेसिडेंट्स मेडल मिला किसी को अवार्ड मिला सब आप पोस्ट करते हैं उनको टैग करते हैं वो लोग अगर उसको लाइक कमेंट भी करते हैं मैंने देखा है उनके साथ आपका मतलब यू आर प्रोमोटिंग दे मीन ग्रैंड स्केल यस पाजी क्योंकि वो भी हमारे फैन है Oh, कह तो लोग तो इस बार हॉकी देखने नहीं जाएंगे आपको सपोर्ट करने कौन है तो हमारे आएंगे ना आप देख लेना हमारे आएंगे <laughs> तो मने, मने, मने समझ गया कि कौन आने वाले फिर फोटो देखा ग्रुप में उसका भी पड़ा है कि टीम में आ रहा है उसको आप कंग्रेचुलेट भी कर रहे थे मतलब होता है कनेक्शन होता है कनेक्शन हाँ, तो हो जाता है जैसे हम हॉकी आपको बता रहा था टूर्नामेंट। क्योंकि अभी मेडल लेके आई थी तो उसकी खुशी के लिए हमने एक प्लान बनाया पाजी और मैंने कि हम मतलब कि एक टूर्नामेंट करवाते हैं हमने एक सोचा था अब हमारा ऑलरेडी प्लान है कि आठ टूर्नामेंट ये टूर्नामेंट सीनियर्स के थे यानी के 40 प्लस 40 साल की उम्र की मैंने मैंने ये भी सुना है कि आपकी जो ग्रुप है यू आर आल्सो हेल्पिंग द प्लेयर्स एस्पायरिंग हॉकी प्लेयर्स उनको हेल्प भी करते हैं या फिर यू आल्सो प्रमोट देम थोड़ा बहुत किए हैं बट हमें लगता है कि वी मस्ट गेट मोर ऑर्गेनाइज हाँ करने का तो प्लान है वी वॉन्ट टू एनकरेज क्योंकि हॉकी इज टूडे कॉस्टली गेम ऑब्वियसली तो जहाँ पे जितना होता है हमारी ग्रुप में हम अपने ग्रुप को रजिस्टर करना चाहते हैं और ये जो टूर्नामेंट राजा आपको बोल रहा था इट वॉज अ वंडरफुल सक्सेस बॉम्बे में hmm. सब पुराना ओलंपियंस, सो मेनी ऑफ दायक्रमिक सो ऑल द स्टार्स फ्रॉम मुंबई और हमारी प्लान है कि ये टूर्नामेंट जो हमने किया अब फोर्टी का एज ग्रुप का तो इसको हम नेक्स्ट लखनऊ में करेंगे बेंगलोर में करेंगे okay. कलकत्ता में करेंगे दिल्ली में करेंगे वंस एवरी थ्री मंथ्स। तो जितने प्लान so बड़ा है हाँ पुराना प्लेयर्स जो है उनको वापस ग्राउंड में ले आना okay. क्योंकि जब ये एक्सपोजर ये प्लेयर्स को हम लाएंगे एक साथ हाँ और देश और दुनिया और खास से बच्चों को बताएंगे कि ये हमारी हिस्ट्री था जी, ये जी, हमारी खेल था जो क्रिकेट में होता है हॉकी में आपने शुरू किया हमने एक छोटी सी शुरुआत की बड़ी बात है सबसे बड़ी बात है कि क्रिकेट में होता है हॉकी में अगर पुराने प्लेयर आ जाएंगे उनको पता है ना हॉकी में अपने प्लेयर्स को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए उनको पता है तो वो वही बताया वो प्लेयर आगे भी जाएंगे जी हाँ एकदम एकदम हाँ हमारी हॉकी प्लेयर्स भी स्टार्स बनना चाहिए वी नीड टू शो देम वी नीड टू टेल लोगों को हम ये ले जाना है कि इन लोगों ने क्या क्या किया है देश के लिए किधर किधर खेला है एक जमाना गया जब हमारी हॉकी नीचे चली गई थी रूल्स चेंज हुआ था मगर आजकल फिर बढ़ रही है फिर उठ रही है पैसे की कमी थी मगर आज नहीं है हमारी गवर्नमेंट ओडिशा की जो इतना सपोर्ट किए है पैसे की कमी नहीं है नाउ हमारे पास अच्छे कोचेज हैं बच्चे को इतना एनकरेजमेंट दिया जाता है और हमने देखा ना ओलंपिक्स में चालीस साल के बाद ओलंपिक मेडल है. मिला है रिकॉर्ड इट इज अ रिकॉर्ड यस और जूनियर के हम चैंपियंस हैं 2016 में हमने जीता था जीता था करेक्ट अब क्वार्टर फाइनल्स में गए हैं मैं तो राजा और हम बात कर रहे थे हमारी टीम तो जरूर जीत जाएगी बेल्जियम के अगेंस्ट और आपको पता होगा कि हॉकी टीम ये जूनियर्स वर्ल्ड कप जूनियर स्टेपिंग स्टोन फॉर द प्लेयर्स टू एंटर इन टू सीनियर सीनियर ठीक है आपको क्या लगता है कि हॉकी जमीनी स्तर पर क्या ऐसा किया जाए कि हॉकी ही उठाएंगे सब प्लेयर हॉकी में ही ज्यादा बच्चे लोग इंटरेस्ट इंटरेस्टेड हाँ ये रही बात हम हमेशा ग्रास रूट हॉकी के बारे में बात करते हैं तो अगर हॉकी को रियली ऊपर लाना है तो छोटे छोटे बच्चे जो हम ग्रासरूट कहते हैं स्कूल में छह साल की उम्र में सात साल की उम्र में उनको यह जानकारी देना इंपॉर्टेंट है कि हॉकी एक खेल है इसको खेलो आजकल हर स्कूल में हॉकी के लिए इतना बड़ा ग्राउंड नहीं, नहीं है चलो छोटी ग्राउंड में खेलो थ्री वर्सेस थ्री चार चार खेलो छोटी गोल बनाओ बच्चों को पहली ये जानकारी दो कि हॉकी एक गेम था ये हमारी राष्ट्रीय गेम कहलाते थे इसमें हमने आठ ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है तो वी नीड टू प्रमोट द गेम एट द स्कूल बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं कि बच्चे खिलौने भी मिलते हैं कि क्रिकेट का बैट बॉल मिल जाता है हॉकी हाँ, का जब मैं बच्चा था आपको बोल सकता हूं आठ नौ दस का तो हमें प्लास्टिक की वो हॉकी स्टिक मिलती थी अच्छा जैसे क्रिकेट की बैट और प्लास्टिक बॉल मिलती है हमें हम मैंने तो खेला है उससे अच्छा प्लास्टिक में वो हॉकी स्टिक मिलती थी प्लास्टिक की बॉल हम खेलते थे आपको पता है के जो प्लेयर्स टीम इंडिया में दस पंद्रह साल तक उसके बाद उनको स्पोर्ट्स हॉस्टल देखकर उनका टैलेंट उनको लेता था वहां जाकर वो खेल सीखकर अभी इंडिया टीम में उड़ीसा में जब आपने बोल ही दिया सुंदरगढ़ जी एक जगह थी जहाँ से बहुत सी हॉकी प्लेयर आए हैं मगर मैं जानता हूँ और कहता हूं कि ओडिशा की पूरी स्टेट में हर गांव में हर गली में हॉकी खेलते हैं हॉकी स्टिक ना हो जैसे आपने कहा लकड़ी लेके ले खेलते हैं ये गेम तो है इनके खून में हॉकी है और जो आज गवर्नमेंट कर रही है ना प्रमोट कर रही है हॉकी के यहाँ से देखो आज कितने प्लेयर आएंगे जी ठीक है चर्चा सहित स्पेशल गेस्ट मतलब आम जा रखा कलिंग स्टाडमें जो मैच चलती क्वार्टर फाइनाल टीम मैंने पलैले टीम मैंने पोजन एइट टू सिक्सट पोजिशन, पोजिशन, पोजिशन मैच खेलुंच आज पाकिस्तान टीम एक वर्ल्ड रेकर्ड करती कलंग स्टाडियम कौन से वर्ल्ड रकर्ड जाना सुशांत आम स्पोर्ट्स जर्नालीस्ट जोड़े सुशांत पाकिस्तान आज मैच था से मैच कड़ वर्ल्ड रेकर्ड सृष्टि पाकिस्तान দেখু এই যিখি থে এফ আই এচ জুনিয়ৰ ৱাৰ্ল কপ হেব পূৰ্ব অৰ্থাৎ এই যি দুই হাজাৰ একৈশ এফ আই এচ জুনিয়ৰ ৱাৰ্ল কপ হব পূৰ্ব জুনিয়ৰ ৱাৰ্ল কপ ৰে গোটেই মেচ ৰে সৰ্বাধিক মানে গোল স্কোৰ কৰিব ৰেকৰ্ড ভাৰত পাতে আপোনাৰ জানিম উনৈশ বয়া মা জুনৰ হকি বিশ্বকে ভাৰত সিঙ্গাপুর বিপক্ষে তেরোটি গোল স্কোর করে জোটা রেকর্ড লা মাত্র আপনার দেখন্তু চলিত বর্ষ যদি দেখা সে রেকর্ড গোটে পরে গোটে দল ভাঙ্গু প্রথমে আপনার জিনজেটিনা দল আর্জেটিনা দল দেখি দক্ষিণ কোয়া বিপক্ষে গোটে ম্যাচে চৌদটি গোল স্কোর করে এবং ভারতের রেকর্ড ভাঙ্গি সেইদিন আপনার দেখি স্পেন দল কলে আমেরিকা বিপক্ষে সতেরোটি গোল স্কোর করে এবং সেই যেকর্ড টি আউথে ভাঙ্গি এবং আপনার যো দেখে আজ ম্যাচ আজ ম্যাচ আপনার জো আঠটিমাবিলা হচ্ছে সে টিম সমস্ত কাইল রেসারি এবং সে নবম স্থান রম্বর স্থানের যিনিশ করা ম্যাচ হচ্ছে তবে যজর ম্যাচে পুণ আউথরে আমেরিকা বিপক্ষে অঠরটি গোল স্কোর করেছি পাকিস্তান আমি সবুড়ে বিকাশ আলোচনা করছি পাকিান দলর যোভাবে হকি ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଖିବା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଗୋଟେ ଚାମ୍ପିୟନ ସାଇଡ କୁହାଯାଉଥିଲା ହକିରେ ମାତ୍ର ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଦେଖିବା প্রদর্শন এতে বহু ভালো না আপনার অলম্পিক দেখা গেলে সে যোগ্যতা হাসল করে পারা পাকিস্তান দল তো এইভাবে কেলে আপনার দেখি আজ ম্যাচটি আজ সে কলে কটার ফাইনা রেসু বাদ পড়ছেন এবং যদি কলে আজ অঠরটি গোল্ড স্কোর করেছেন নিহত এবার তাঁর গোটে মোরা বুষ্টর হব গুরুত্বপূর্ণ কথা কী কিছু সময় পূর্ব আপনার যে গেস্ট যেমন রয়েছেন অতিথি যা সূচনা দৌলে যদি আপনার পাখে বড় ফিল্ড না প্লেয়ার চারিজণ প্লেয়ারি আপনার খেলি পাৰিব সেইভাৱ ভাৱে আপোনাৰ দেখুচোন ফৰেন কণ্ট্ৰি মানে যি হকি ডেভলপ হা অয় খেল দেখন্তু ফুটবল দেখন্তু ভলিবল দেখন্তু এইবোৰ খেল ডেভলপ হওক কাৰণ সেনে গোটেই পদ্ধতি আপোনাই যো কুটচল ফুটসল অর্থ আপনার যদি চাইবে আপনার ইন্ডোর মধ্য চারি জন কিংবা পাঁচ জন আপনার গেম খেলি পেবে সেই গেমটি হচ্ছে সেইয়া আপনার দিন তলে যে কিট রে আমার ফুটসল টুর্নামেন্ট যেটা আরম্ভ হয়েছে ফুটবল টুর্নামেন্ট আরম্ভ আর এবং যেটা যোটা কুয়াছে আগামী দিনৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ এই টুৰ্ণামেণ্ট কৰা যাব তুমি নিশা এই ভৰি প্ৰতিযোগিতা যদি আপোনাৰ মানে আয়োজন কৰা যায় তিনি জান কি চাৰি জেৰা কি জা খেলি কি এই ভি প্ৰা আৰম্ভ কৰা বহুত কম খেৰা ৰবে আৰু মানে যেতিবা মুকাবিলা হব খেলি মানৰ দক্ষতা বেলজিম কু আমি কৌচোন বেলজিম খেৰা মানে থ্ৰী ডাইমেনচনা প্লেয়াৰ ভাল প্ৰদৰ্শন সবু বেলে খালি হকি হও নে কি অন্য় দেখন্তু ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আছুন ତେଣୁ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ପଦ୍ଧତି ସେମାନେ ଆପଣଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳ ଯାହାଫଳରେ ବିକାଶ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମଧ୍ୟ ସେଇଭାକୁ ଅନୁରୂପ ଆମ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯୋଉ ଗୁଡିକ ମୁକାବିଲା ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ଯୋଉମାନେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ରେସରୁ ବାଦ୍ ପଡିଛନ୍ତି ମାତ୍ର କାଲି ସବୁଠାରୁ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଯାକ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ରହିଛି ସବୁ ଗୁଡିକ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ନଜର ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢେ ସାତଟା ସମୟରେ ଖେଳାଯିବ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଏବଂ ଭାରତ ବନାମ ବେଲଜିୟମ ବିପକ୍ଷରେ ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ବେଲଜିୟମର ଯଦି ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବା ମାଲେସିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଏକ ରେ ଡ୍ର ଏବଂ ଚିଲ୍ଲି ଭଳି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ତିନି ଶୂନ ଗୋଲ ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ନିହାତି ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଉଭୟ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା

ब्रेक ओडिशा तो तो को वेलकम करछु विकास स्ुडियो स्पेशल गेस्ट आपन अच्छा आ परिचय पर कराई सारे से हकी को कथा शेयर कथ क्रिकेट रो क्रिकेटर जिते अछन अच्छा टू एने हॉकी को भली समर्थन करती अधिका समर्थन करती सहित हम आलोचना करें राजा जी आपसे जानना चाहूंगा कि इंडिया टीम जब लखनऊ वाले मैच में जीत गई फिर ब्रोंज अब स्कूल में बच्चे आप बता रहे थे ब्रेक्स में जाने से पहले कि लखनऊ लखनऊ टोक्यो में में गोल्ड ए, आया था। जो फिर वाले, हाँ। वाले साल फर्क आया है स्कूल के बच्चे क्रिकेट के, क्रिकेट के छोड़ हॉकी में आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे रहे हैं हैं बिल्कुल क्योंकि पंजाब में मैंने देखे हैं दिल्ली में देखे हैं इवन की मेरी अपनी दोनों बेटियां जो की बैडमिंटन के लिए ज्यादा शौक थी तो उनको पता की पापा हॉकी को सपोर्ट करते हैं जब से मेडल आया है जब से हमारी लड़कियां वुमेन्स जो टीम है उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अभी टोक्यो ओलंपिक में अब मेरी दोनों बेटियां सुबह मॉर्निंग हॉकी उन्होंने ज्वाइन की हुई है और वो दिल्ली में हॉकी सीखने जाती है टेनिस छोड़ दिया है बैडमिंटन 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 जैसे राजा बोल रहा है हमारी दोस्त हमारी फ्रेंड्स पूरी ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया है okay. और सब बोल रहे हैं कि जहाँ पे हॉकी अकेडमी थे जहाँ पे दस आठ बारह बच्चे आते थे ट्रेनिंग के लिए छोटी उम्र के दस बारह साल के आजकल पचास सौ लड़के और लड़कियां आके भर्ती हो रहे हैं कि हम भी लड़किया <coughs> yes, <they are> <coughs> yes. हमार जो हमारे फैंस है जो हमें जानते हैं वो हमें काफी भेजते हैं कि पाजी देखो पहले हमारे पास कितने बच्चे आते थे आज सो सौ बच्चा मैंने देखा है छोटा छोटा बच्चा जो रनिंग कर रहा है सुबह हॉकी सीख रहा है मतलब अब लोग हॉकी के अंदर बच्चे घुस रहे हैं

जहां जहां पे हमारी मेंबर्स हैं ओ का। ओडी का इतने सारे देश में यस yes, यस yes. तो एक, तो तो <laughs> एक दो छूट गई है छूट गया सॉरी <laughs> बीस पच्चीस कंट्री में तो 20-25 कंट्री में तो वी हैव मेंबर्स ऑफ द ग्रुप